Good afternoon, friends. It's a beautiful Tuesday afternoon, or welcome to the Talk 2020 with Kings 11 Punjab. As you can see, aaj hamare saath hai Parvind Ravana. Bhai, you know, welcome to the show, bhai. Sab theek thaak? Ji, bahut badhiya. Bhai, Ravana ji, aapke liye bahut sare sawal hai mere paas, jo fans ne puche hain. Jaisa aap dekh rahe hain, mere paas saboot hai, guys. I have proof. You know, we have tons of questions. Bahut sare sawal hai, ek ek karke hamare saath. निशा और शायद विनय है जो आज हमारे साथ शो में आपसे बात करने के लिए. ये लोग भी, इनको भी मौका दिया जाएगा आपसे बात करने के लिए. गाइस एक बार हाय बोल दो. हाय. हाय ब्रो. हाय बोला मेरे साथ, कभी नहीं करते. कोई बात नहीं, कभी देखा जाएगा. चलिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत. भाई सबसे पहला सवाल बहुत ही सिंपल है, जो फैन भी पूछ रहे हैं कि यार एक कोई मेमोरी आपकी जो बहुत प्यारी है किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, वो शेयर कर दो आप. मैं यही है कि जब मैच खत्म होता है तो हम शाम को लड़के साथ में बैठते हैं, जैसे कि हमारा क्रेजी फोर का जो ग्रुप है, मैं, अनुवेद और शाह भाई और शिवम शर्मा, तो हम एंजॉय करते हैं. किसी को गाने सुनने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को डांस करने का शौक है. कौन हमारे मौजी बाबा, वो ऑलराउंडर है. अच्छा, कुछ करा लो, कभी चॉइस नहीं होती. हम क्रेजी फोर वैसे भी फेमस है, हम जब चंडीगढ़ में थे चैंपियंस लीग में तो काफी खाना खाते थे, तो हमें फेमस है. चार साथ खाते हैं तो पचास पचास साथ साथ रोटियां खाते थे. तेरी पचास पचास रोटियां गाइस. ये एक बात बताओ यार, ये क्रेजी फोर नाम किसने दिया है? मतलब ये निशांत का क्या हुआ है, टीम में किसने किसने दिया ये तुलिपा जी हमारे मेजर वरुण है, यही है जो क्रेजी फोर. एक्चुअली क्या है कि जो होटल वाले बंदे जो हमारे सर्व करते हैं, परेशान होते होंगे यार, साथ वो कहते हैं अच्छा अच्छा उनका ऑर्डर वो भी कह रहे हैं सर कैसे क्या करते हैं यार, मेहनत करते हैं, मेहनत खाना खाती है. भाई देख रहे हैं आप लोग, पचास पचास साठ साठ रोटियां ये लोग निपटा जाते हैं क्रेजी फोर मिलके. बाप रे बाप. चलिए मौका देते हैं भाई, हंसी का माहौल है, लेडीज को मौका देते हैं. निशा भाई क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपसे कहा जाए अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए, तो वो वर्ड कौन सा होगा? कूल बॉय. निशा कूल बॉय चलेगा? कूल बॉय, या श्योर. ओके, सो परविंदर वाला कूल बॉय क्रेजी फोर के चौकड़ी में से एक. विनय को भी मौका देते हैं. विनय देख रहा है कि मुझे मौका कब मिलेगा सवाल पूछने का. विनय आपका मौका अभी है. ओ यस, अभी जी. परविंदर जी, रवाना जी, हम लोग आईपीएल में बहुत सारे वेरिएशन देखते हैं बॉलर्स के लिए, तो लास्ट ईयर से आपने कौन से वेरिएशन पे वर्क किया है? जैसे कि मैं टेस्ट के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके साथ साथ मैंने अपनी ऑफर भी सुधार दिया है. तो पिछले साल से अब तक पेस पे जानना चाहते हैं
उनके साथ खेल रहे थे जो उन्होंने एक्सपीरियंस 15-20 सालों में जो एक्सपीरियंस मिला वो हमें मिल रहा है उस तरीके से देखे हैं खुराक भी होनी चाहिए बिल्कुल खुराक तो माशाल्लाह तोड़ते ही नहीं खुराक तो चलिए बहुत सही है भाई अगला सवाल ये है कि क्रिकेट तो आप खेलते हैं क्रिकेट के अलावा भी आपके कुछ खेलने में शौक है इंडोर आप प्रेफर करते हैं आउटडोर प्रेफर करते हैं आप लोग कुछ और खेलते हैं क्रिकेट नहीं मिलता था खेलने को तो फिर थोड़ा बुरा लगता था लड़ाई भी रहती है आपके चलिए भाई एक बार रिलेशन जो भी बताया वहां पर मैं मौका दोबारा देना चाहता हूँ तो निशा ओके सो कूल बॉय मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे हेलो हाँ निशा गो ऑन पूछो आपको आईपीएल ने एज अ क्रिकेटर और एज एन इंडिविजुअल किस तरह से बदला है काफी कुछ बदला है आईपीएल ने मेरे को काफी कुछ दिया है तो मैं रणजी ट्रॉफी पिछले चार पांच जब मैं 2012 में आईपीएल खेला था उससे पहले मैं चार या पांच चीजें रणजी ट्रॉफी के खेला था जो मेरे को पहचान नहीं मिल रही थी वहां से वो मेरे को जब आईपीएल में मैं आया मैंने परफॉर्म की तो मेरे को जो ब्रॉडकास्ट वगैरह मतलब जो मेरे को आगे लाया आईपीएल लाया इसकी वजह से इंडिया का टूर मुझे मिला अपने देश के लिए खेलने का मौका मिला उसी की बदौलत मेरे को आईपीएल में ही थी एंड ग्रेट क्वेश्चन निशा थैंक यू उसके लिए विनय हाँ हाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ सवाल पूछो अपना जैसे आवाना जी ने मेंशन किया था कि केक साइड में पंजाब में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो गाना गाते हैं सिंगिंग करते हैं सो उनके हिसाब से किसको बॉलीवुड में चांस मिल सकता है अनुरीत सिंह का नाम लिया है कूल बॉय परविंदर वारा ने पंजाबी और मनन वोरा है वो इंग्लिश में गाते हैं और मैक्सी भी काफी गाने वगैरह गा लेते हैं और डीजे बॉय हमारा डेविड मिलर है तो बस में वो काफी मनोरंजन करता है अच्छा चलिए फैंटास्टिक है और ये हम याद रखेंगे हम सब लोग बिकॉज बहुत जल्द हमारे साथ अनुरीत भी जुड़ने वाले हैं हैंग आउट पे तो मुझे दिख रहा है कि अनुरीत अभी से थोड़ा टेंशन में है बट ये इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनको एक मौका दिया जाए गाना गाने का चलिए थैंक यू इस सवाल के लिए विनय भाई अगला सवाल मेरा ये है कि पंजाब फेमस है खाने के लिए तो आप सिर्फ खाना ही खाते हो जो कि आपने बता ही दिया खुराक तो हट्टी कट्टी है ही क्या खाना बनाते बनाने का भी शौक है मैगी तो नहीं आती बनानी अच्छा पर जैसे मैं घर पे रहता हूँ मम्मी वगैरह नहीं होती तो मैं
अंडे उबाल लेता हूँ भाई अंडे उबाल लेते हैं परिंदर वाला जी कूल बॉय अंडे उबाल लेते हैं ये रेवोल्यूशन महाभयंकर वाला अच्छा अच्छा एक भुर्जी और ऑमलेट वगैरह अरे वेरी गुड यार दाल उबाल लेता हूँ अच्छा क्योंकि दाल हमें जरूरत है जो अपनी जरूरत की चीजें दाल उबलती है कि तड़का भी डाल लेते हो उसमें तड़का नहीं हमें जरूरत नहीं तड़के की नमक डाल लो थोड़ी सी एक मिर्च हरी डाल लो हाँ हो गया और तो गल जाएगी यार लस्सी पी रहा होगा फिर तो नहीं पानी पानी ज्यादा रहता है ना अच्छा हाँ अच्छा तो ये है दूध वगैरह गर्म कर लेता इसमें अदरक वगैरह डाल के थोड़ा सा मीठा डाल के और घी वगैरह डाल के अच्छा मतलब पूरा मिश्रण करके अच्छा पूरी रायता फैला दिया पूरा तो जो जरूरत है बॉडी को वो अपने आप भाई देख लिया मैं मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना चाहिए इसके बाद पर वेरी इंटरेस्टिंग नेवर्थलेस मजा आया ये सुन के भाई अच्छा ये भी एक अच्छा सवाल है जो फैन पूछ रहा है कि भाई हर किसी की अपनी अपनी फेवरेट मूवीज होती हैं बड़े फेमस डायलॉग होते हैं कोई आपका क्या है और जो भी होगा अंदाज में अपने अंदाज में रात को एक मूवी देख के आए हैं कौन सी Kabbar is back. Kabbar is back? Yes. Really, is he back? अच्छा उसमें काफी अच्छी मूवी थी मजा आया पूरी जनता क्रेजी फोर सब गए थे पूरी टीम गई थी हम कल क्रेजी सेवन थे क्रेजी सेवन थे चार तो रहते ही हैं साथ अच्छा तीन और जुड़ गए हैं अच्छा अक्षय पटेल कार्दुल और गुरवंत अच्छा भाई चौकड़ी से यू नो सतौकड़ी हो गई सतौकड़ी हो गई भाई सात लोग हो गए इस समय अच्छा ये एक सवाल है थोड़ा टेढ़ा है या ट्रिकी है मुझे नहीं पता शायद बाउंसर हो बट सवाल ये है कि जब आप रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्या इंस्पायर करता है बड़ा ही भारी बट फैन पूछ रहा है कि क्या चीज है जो आपको इंस्पायर करती है रोज उठ के आप क्या करने की सोचते हैं हर सुबह जब आप उठते हैं ये सोचते हैं कभी कभार नहीं सोचता कभी कभार मैं सोचता हूँ तो यही है हर दिन अलग दिन होता है आपका क्या माइंड सेट है अच्छा चलो हर एक दिन नया होता है शुरुआत नहीं है ये सवाल तो इसका जवाब तो मैं भी जानना चाहूंगा फैन पूछना बिकॉज आप माशाल्लाह बड़े फिट हैं और आपने बताया कि आप मेहनत भी बहुत करते हैं किस किस्म का आपका रूटीन मतलब कैसे रहते हो फिट मतलब सुबह से शाम तक आप एक रूटीन बता दो आप क्या करते हैं कैसे आज से तीन चार साल पहले मैं कोई मतलब करता था ना स्ट्रेचिंग करता था जो कोई बता देगा अच्छा उसी को मैं फॉलो करता था तो उनसे काफी फर्क पड़ा और रेगुलर वो चीज करने से मेरे को हेल्प मिली और काफी दिन हो गया मतलब बॉडी को कुछ नहीं हुआ वजह से मेरी पेट स्थिर रही है मेरी परफॉर्मेंस स्थिर रही है फर्क पड़ता है रेगुलर आप फिटनेस करें अच्छा तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये बोला कि जब आप पहले से तो जो बता दे भी मिल जाएगी यार तुम ये कर तो वो कर ले रहे थे तो ऐसा हुआ कि वो खत्म करने के बाद जब आप प्रोफेशनल साइड पे आए जब आपको सही में एडवाइस मिलने लगी तो उसका कोई डिसएडवांटेज था कि बिना जाने बिना अंडरस्टैंड किए आपने ऐसा कुछ नहीं था हाँ बिल्कुल नींदगी वगैरह होना या स्टिफ होना पता ही नहीं है किस एक्सरसाइज में कुछ क्या है पता है कि मैं अगर ये एक्सरसाइज करूंगा तो मैं अपनी तो अगर मेरे को मैच जैसे परसों मैच है तो मैं आज वर्कआउट करूंगा कल नहीं करूंगा कल मैं अपना जो अभी मेरी स्किल्स है उसको वर्कआउट करूंगा और दो दिन पहले ये चीजें अब आप प्रोफेशनल एडवाइस मिल रही है पता चल गया नहीं तो उससे पता भी नहीं करता था कि अगर ये चीज टाइट होगी तो मैं और जोर लगाऊंगा तो मेरा डांसिंग टिक जाए या फिर बैक टिक जाए तो ये चीज होती है क्योंकि मैं बॉल को हमेशा चला होता ये फर्क पड़ता है अभी आप टोटल इंजरी फ्री हैं कुछ अच्छा भगवान का शुक्र की सब ठीक है इस हमारे पास शायद आखिरी पांच सात मिनट हैं और मुझे पता है कि लोग देख रहे हैं कि ये सवाल करने का मौका फिर से मिलेगा नहीं मिलेगा जी बिल्कुल मिलेगा कम से कम एक मौका तो पक्का मिलेगा निशा आ जाओ या अपना सवाल पूछ ले आप अब जो क्रेजी फोर का जो बॉन्ड है आई वॉन्ट टू नो कि आप फ्री टाइम अपना कैसे स्पेंड करते हैं
डीसी आपस में मजाक करना या फिर मैं जैसे कि काफी बार अपनी लैंग्वेज बोलता हूँ गुजरी तो अनुदीप सर और सिटाई करते हैं तो क्योंकि लैंग्वेज थोड़ा अलग है हमारा, मैं भी कुछ वर्ड अभी भी बोल रहा हूँ तो पल्ले नहीं पड़ती तो साथ में रहा है पहले से ही तो कैच करता है, दूसरों को पता चलता है हाँ मैंने गलती करी। गाने सुनते हैं, डांस करते हैं और मूवी देखते हैं और खाना तो खाते नहीं खाते। डांस करते, डांस का शौक सिर्फ आपको है या और भी कोई है जो बड़े शौक से कभी भी नचवा लो टाइम यार की म्यूजिक बजाओ और शुरू? हाँ सार्दुनी अच्छा अभी लड़का है काफी डांस करता है और मिलर है और अनिरुद्ध सिंह जी है वो पंजाबी बहुत अच्छा करता है। अभी फंसवाते जा रहे हो अपन नुस्कित को बस अगले शो में आने वाले हैं ये मतलब जानबूझ के खेल रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है जो है सच्चा। शार्दुल की बात आपने बात की, शार्दुल हमारे साथ पिछले हफ्ते शो में थे, अगली बात मुझे पहले पता होती तो मैं पक्का पकड़ता हूँ उनको। खैर अगली बार हॉपफुली आएंगे तो शार्दुल को इस बारे में पकड़ेंगे। थैंक यू निशा उस सवाल के लिए। विनय एक सवाल आप भी पूछ लो यार। थैंक यू अगेन। मोहाली में तो आप बहुत ही अच्छा करते हो, मोहाली के अलावा आपका कौन सा फेवरेट स्टेडियम है इंडिया में? इंडिया में जैसे मेरे को विकेट है जो फ्लैट विकेट होती है काफी पसंद आती है क्योंकि मेरा जो लाइन से थोड़ा पीछे है तो बॉल हिट करती है तो हैदराबाद उसमें चार विकेट ली थी तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है जहाँ फ्लैट विकेट होती है जैसे कि चेन्नई में भी मैंने काफी अच्छे स्पेल डाले और पुणे दिल्ली में काफी अच्छा किया है तो यहाँ की बॉलिंग में कोई एक विकेट है कि जहाँ मौका मिला आपको वही बॉलिंग करना यार ये मैंने जो इस पिच को अपने साथ ही लेके चलूँ अर्जुन ऐसी कोई है विकेट? कोटला है, कोटला में काफी क्रिकेट खेला हूँ तो मुझे कोटला में बहुत खेला हूँ, बहुत लोगों की फेवरेट है। चलिए अमेजिंग कोटला विकेट, थैंक यू सवाल के लिए। मैं हमारे पास मिनट और है, मेरे पास सारा गिफ्ट तो बहुत लंबी है फैंस के क्वेश्चन। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही क्यूट सा सवाल है, आई थिंक किसी बच्चे ने पूछा है कि भाई वो कौन सा शख्स है टीम में जो बस में हमेशा सबसे लास्ट आता है, लेट लगता है, कौन है? डेविड मिलर भी है और हमारे जो कीजिए दोनों एक साथ ही है। अच्छा इकट्ठे ही मतलब बड़ा लगा मिलर से मिलर को पैट्रिक से दोनों ही लेट लगे। अच्छा क्योंकि हमें पता है अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है जगह खेलने जाना होता है तो अगर हमारा 11:30 का टाइम नॉर्मल ड्रेस में आएंगे और लड़के तो सब अपना जो भी ड्रेस कोड होगा उसमें आते हैं वो अपनी नॉर्मल ड्रेस में आएगा खाएंगे फिर वापस जाएंगे फिर अपनी ड्रेस अप करेंगे फिर वो बस चलिए। ये राज अच्छा है, पैट्रिक और मिलर की जुगलबंदी चलती रहती है आखिरी बस में। आई थिंक वो काफी अच्छा सवाल था जिसने भी पूछा है सोशल मीडिया पर, थैंक यू उस सवाल के लिए। आई थिंक इसी नोट पे जाते जाते अगर कोई एक मैसेज आप देना चाहो अपने फैंस को तो आप फिर हम शो क्लोज करें। बिल्कुल आपने किंग्स इलेवन को काफी सपोर्ट किया है, हम उस टीम के आभारी हैं और हम जैसे लास्ट टाइम हमने अच्छा किया था हम इस बार भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी आज लग चल रहा है हमारा तो आपकी दुआ और थोड़ा करना होगा आपको जो हमारे लिए अच्छा रहेगा तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। तो वेल हम अभी भी हमारे पास पाँच मैच है, हम पाँच मैच जीतेंगे और नॉकआउट के लिए आएंगे। थैंक यू और थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज, भाई बहुत मजा आया रविंदर, स्पेशली साथ बैठ के हमने कंप्यूटर के थ्रू बातें की हैं पर ये रूबरू बैठ के बात करने का बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड वेरी शॉर्टली वील हैव अनदर गेस्ट हूज जो अभी थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि शायद उनको नाचना गाना पड़ेगा, अनुरीत काफी नर्वस आ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है तो हम उनसे मिलेंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू गाइज, बाय बाय। Bye, cool boy. Nice touch. Bye, bro.